जयपुर में भी कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जयपुर के रामगंज में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले। अब तक सबसे अधिक जयपुर में यानी कि 41 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अकेले जयपुर के रामगंज में 33 कोरोना पॉजिटिव मिले। रामगंज में ओमान से आए नागरिक के संपर्क में आने से सभी लोग पॉजिटिव हुए। प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 129 हो चुकी है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश ये बताएं, देखिए एक व्यक्ति की लापरवाही का खामियाजा यहां पर बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। संकट के बादल सभी पे फिलहाल मंडरा रहे हैं। क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? सेफ्टी मेजर्स को किन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट फिलहाल उनका किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि एक ही व्यक्ति की लापरवाही के चलते जयपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। क्योंकि कोरोना पॉजिटिव रामगंज में ओमान से आया था और उसके बाद में वहां पर 32 और को उसके संपर्क में आने वाले कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिनमें आज भी 7 और कोरोना पॉजिटिव के नए केस सामने आए हैं। इस तरह से अब जयपुर में कुल 41 कोरोना के पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या है वो हो चुकी है। हालांकि जिस तरह से लगातार यानी कि रामगंज से कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते वहां पर स्क्रीनिंग तेजी से शुरू कर दी गई है। उनके संपर्क में आने वालों का आइसोलेशन में रखा गया है और वहां पर उपचार किया जा रहा है। उनके अलग अलग समय पर अलग अलग हैं, वो सैंपल लिए जा रहे हैं, उनकी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं ताकि उनके पता लगाया जा सके कौन कौन कोरोना संक्रमित है। लेकिन जिस तरह से इन कोरोना का जो वायरस है वो 14 दिन तक असर दिखा सकता है और 14 दिन में कभी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। ऐसे में उसी को देखते हुए वहां पर ऐसे लोगों को ले जाकर आइसोलेट किया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिनको मिम्स और आरयूएचएस में उनको भर्ती किया जा रहा है। इसी तरह लगातार कोरोना के जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके चलते पूरी चारदीवारी को सीज किया गया है और अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से रामगंज में जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है और उसी के चलते अब वही एक और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो तबलीगी जमात से जो लोग निकले थे उनमें 47 जयपुर के भी हैं और उन्हीं को लेकर भी उनको भी क्वारंटाइन किया गया है, उनको आइसोलेशन में भेजा गया है और उनके सैंपल भेजे गए हैं ताकि उनकी रिपोर्ट का पता लगाया जा सके कि उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है नेगेटिव, और उनके संपर्क में आने वालों को भी पता लगाया जा रहा है, उनको भी आइसोलेशन में लिया जा रहा है, क्वारंटाइन के लिए उनको भी भेजा जा रहा है। जी लोकेश, ये मैं जानना चाहूंगी कि देखिए जयपुर का रामगंज कोरोना सेंटर बन चुका है, 33 कोरोना पॉजिटिव वहां से मिले हैं, तो वहां के सभी लोगों के लिए रामगंज की जो जनता है वहां विशेष इंतजाम किए गए होंगे क्योंकि उस जगह का ध्यान रखना फिलहाल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये जरूरी है कि वहाँ की जनता का ध्यान रखना भी जरूरी है। जिस तरह से जैसे ही पहला पॉजिटिव मरीज सामने आया था उसके बाद में उसके संपर्क में आने वालों को वहां से आइसोलेट किया गया था और उनको अलग से रखा गया, क्वारंटाइन भेजा गया था, और उनके संपर्क में आने वाले जो और पॉजिटिव मरीज सामने आए उनके संपर्क में आने वालों को भी वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, उनको भी क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, उनको सबसे अलग रखा जा रहा है। साथ ही साथ स्क्रीनिंग के जिसे वहां पे करती है दूसरे दौर की स्क्रीनिंग है वो शुरू हो चुकी है वहां पर, ताकि जो उनके जो खांसी जुकाम और कोरोना सिम्स आते हैं उनके बारे में सूची जारी बनाई जाए और जो जो संबंधित सिम्टम्स वाले मिल रहे हैं उनको क्वारंटाइन में भेजा जाए ताकि अन्य लोगों से उनके संपर्क नहीं हो और ये कोरोना का संक्रमण है वो रुक सके। जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक सबसे अधिक जयपुर में 41 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लगातार बढ़ोतरी यहां पर सामने आ रही है, ऐसे में बहुत जरूरत है सतर्क रहने की। रामगंज में ओमान से आए एक नागरिक के संपर्क में आने से सभी लोगों को उसकी लापरवाही का खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है।